सर माय नेम इज़ हैरी नथानी और मैं भोपाल का टैटू आर्टिस्ट हूँ और मैं 7 साल से टैटू का काम कर रहा हूँ। इस बार मैंने सोचा कि मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतने अच्छे उन्होंने काम है तो आगे भी मोदी जी का है, तो मैंने ये सोचा है कि अभी मैं भी चौकीदार हूँ और मोदी जी की पिक्चर बना रहे हैं हम टेम्परेरी टैटू, और अभी आगे हम 7 डेज तक ये बनाएंगे और ये फ्री चार्ज रहेगा हमारे। आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन, ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन, सबका विकास चाहता और चाहता हूँ बस अमन। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूँ। वादा किया है खुद से अब कूड़ा नहीं फैलाऊंगा, के भ्रष्टाचार काले धन को जड़ से यूं मिटाऊंगा। मैं नए भारत की कल्पना, मैं नए भारत की कल्पना से सहमत विचार हूं। लघुद्योग है मेरा, मेहनत से करता काम, मेहनत से करता काम, एक घर का चूल्हा मुझसे है, मैं उज्ज्वला सा नाम हूँ, मैं उज्ज्वला सा नाम हूँ। मैं देश के विकास में छोटा सा भागीदार हूँ। अरे चौकीदार उंगलियां उठाएंगे, वो झूठ कहते जाएंगे, सच की परख तो है मुझे, वो क्या मुझे बहकाएंगे, क्या मुझे बहकाएंगे, के झूठ के कपाल पे मैं सत्य का प्रहार हूँ। हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। आतंक अब नहीं सहूंगा, हाँ मैं चुप नहीं रहूंगा, भारती का लाल हूँ मैं कब तलक नहीं कहूंगा। मैं सरहदों के हौसलों, मैं सरहदों के हौसलों के साथ एक हुंकार हूँ। हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, चौकीदार हूँ। हर उस भारतीय में है एक चौकीदार जिसे है देश की फिक्र। जुड़िए मैं भी चौकीदार हूँ कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 31 मार्च शाम 5 बजे।
पीएम मोदी की एक अपील पर देश भर के लोग खुद को चौकीदार मान रहे हैं, क्या आप भी उनमें से हैं जो खुद को चौकीदार मानते हैं? हाँ, मैं खुद को अपने आप को चौकीदार मानता हूँ। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि वो एक अच्छे राह पर चल रहे हैं और आने वाले समय पर सब कुछ चेंजमेंट हो जाएगा। गठबंधन जैसे देखा जा रहा है, सपा बसपा और कांग्रेस गठबंधन करने में लगे हुए हैं, ये सब एक विरोधी मतलब अपना दल दिखा रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूँ हमेशा। मैं बहुत खुश हूँ कि मोदी जी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अपने इस देश के नागरिक को आगे से आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल वोट देने के लिए मैं बिल्कुल सक्षम हूँ। जी हाँ, राष्ट्रीय हितों के संरक्षण केवल किसी राजनीतिक दल या प्रधानमंत्री का नहीं है, यह देश के आम नागरिक का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय हितों का संरक्षण किया जाए और दीर्घकालिक रूप से राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहे। इस बात की चौकीदारी जब देश का आम नागरिक करेगा तो देश निरंतर तरक्की करेगा और विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। इसलिए हम और हम ही नहीं, मैं समझता हूँ इसमें पूरा भारत अपने आप को देश का चौकीदार समझ के काम कर रहा है और इसीलिए चोरों देश के प्रति जो लोग चोर हैं उनमें खलबली मची हुई है। जी बिल्कुल, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ में हैं और खुद को चौकीदार बिल्कुल मानते हैं। जैसे देश की 1.25 अरब की आबादी फेसबुक ट्विटर और जितने भी सोशल साइट सब पे लिखना शुरू करें, मैं भी चौकीदार हूँ। बिल्कुल हम लोग मोदी जी के साथ हैं। जैसे कि वो आप लोगों ने देखा एयर स्ट्राइक के समय रात भर वो जाग करके वहाँ वार रूम में बैठ करके उन्होंने पूरा देखा कैसे करता है। वो हमारे देश का चौकीदार ही ऐसा कर सकते क्योंकि रात में चौकीदार ही घूमता है, बाकी सब तो सो जाते, लेकिन रात में चौकीदार जो है गली मोहल्ले सड़कों पर शहरों में घूमता है और देश की रखवाली करता है। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो देश की रखवाली के लिए सबसे बड़े चौकीदार और हम लोग उनका साथ देने के लिए छोटे चौकीदार हैं। और हम लोग पूरी तरह से जितने भी देशवासी हमारे हैं 1.25 अरब के देशवासी जो भी हमारे हैं वो सब मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग खुद चाहते हैं आप दोबारा प्रधानमंत्री बने क्योंकि देश के पूरे युवाओं की आवाज़ हैं आप, क्योंकि जैसा कि आपने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया आज तक कोई नहीं दे पाया, वो सबके साथ युवा आपके साथ है। आप जो कहेंगे वो युवा करने के लिए तैयार है, आप जहाँ कहेंगे युवा वहाँ निकले तैयार। हम लोग सब दिली इच्छा है कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा 2019 में प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, मैं चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। आज देश जिस मुकाम पे पहुँच गया है, मुद्दे इनके पास किसी भी पक्ष के पास कहीं पर कोई मुद्दा नहीं बचा है। जब मुद्दे नहीं बचे तो चुनाव के लिए मुद्दा क्या बचा? केवल देशद्रोह बनाम राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद बनाम देशद्रोह आ गया है। कोई मुद्दा नहीं बचा किसी भी पक्ष के पास। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर मुद्दे पे काम कर रहे हैं, जनहित के हर एक मुद्दे पे काम कर रहे हैं। जनता को लाभान्वित करने के लिए 18-18 घंटे जाग जाग करके केवल राष्ट्रीय नीति के लिए नहीं विदेश नीति पर भी पूरा समय दे करके पूरा त्याग करके हमारे भारत देश को विश्व पटल पर शांति दूत और महाशक्ति दोनों के रूप में एक साथ पूरे विश्व पटल पर स्थापित किया। ऐसा योद्धा प्रधानमंत्री आज तक ना हुआ है, लेकिन आगे भी होने की जल्दी उम्मीद नहीं है। लेकिन हम ऐसे प्रधानमंत्री को खोना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत से जनता पार्टी जीते और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री बने जो देश को विकास की गति देते हुए आगे बढ़ाने का काम करें। बिल्कुल, मैं भी खुद को चौकीदार मानता हूं और मैं मानता हूं कि देश को ऐसा पहला पीएम मिला है जिसने सेना को सम्मान देने का कार्य किया है। एक सेना का सिपाही वो भी चौकीदार है और देश की रक्षा करता है और देश के सम्मान को बढ़ाता है, और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं को चौकीदार बताते हुए देश की सेना को गौरवान्वित किया है। और अगर हम सब चौकीदार बनेंगे तो जैसे कि रक्षा देश की सेना बॉर्डर पर रक्षा करती है पाकिस्तान जैसे घुसपैठियों आतंकवाद भ्रष्टाचार से रक्षा करती है, वैसे ही अगर हम सब चौकीदार बने तो हम सब देश की रक्षा करेंगे, देश की आन की रक्षा करेंगे, सम्मान की रक्षा करेंगे, मान की रक्षा करेंगे। और चौकीदार ही जनता की समस्या को भली भांति समझ सकता है, लोगों को भली भांति समझा सकता है, करप्शन को रोक सकता है, भ्रष्टाचार को रोक सकता है और आतताई ताकतों को रोक सकता है। तो चौकीदार एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति चौकीदार है वो अपने आप को आज की तारीख में गौरवान्वित महसूस
कुछ करे, क्योंकि चौकीदार देश का सबसे बड़ा सम्मान पाने का हकदार है, जिसकी वजह से आज सब हम सुरक्षित हैं। और अगर मोदी जी ने बात चौकीदार होने की कही है तो मैं मानता हूं कि देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जिसने सेना को सम्मान देने की सबसे बड़ी बात कही है और उस सेना की कसौटी पे अपने आप को रख कर खड़ा किया है। जय हिंद, जय भारत। जी, पीएम मोदी पहली बार स्वतंत्र भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना है जिसको शुद्ध रूप से देखा जाता है कि एक अवतारिक पुरुष हैं, और आज तक जितने लोग हुए उसमें सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने चोरी चमारी हो रही थी, इन्होंने एक तरह का माहौल बना दिया है। जो चौकीदार कर रहे हैं वो सच में चौकीदार हैं, उन्होंने एक माहौल बना दिया जो भ्रष्टाचार जिस जल में हो जाता था उस पूरे जल को खाली कर दिया है। जितने भ्रष्टाचारी हैं वो छटपटा रहे हैं, और छटपटाने के कारण सारे लोग एक महागठबंधन, एक ठगबंधन बना रहे हैं। उस ठगबंधन में जितने भी चोर हैं सारे चोरों का एक गठबंधन है। कोई शारदा चिटफंड घोटाला है, कोई चारा घोटाला में है, कोई रिवर फ्रंट घोटाला में है, कोई ताज एक्सप्रेसवे घोटाला में है, कोई 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में है। सारे घोटालाबाजों की एक मिली भगत है। ये लोग केवल देश में सरकार नहीं बनाना चाह रहे हैं, देश का विकास नहीं चाह रहे हैं, यह केवल मोदी को हटाने का एक प्लान है, चौकीदार को हटाने की प्लान है, और जनता उसको बखूद भी समझ रही है। यह नेताओं का गठबंधन है, जनता का गठबंधन मोदी से है, और निश्चित रूप से इस बार पुनः मोदी की सरकार पिछले जो अचीवमेंट है उससे अच्छी सीटों से आएगा। धन्यवाद जी। बिल्कुल मान रहे हैं, चौकीदार का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ लाठी डंडा लेके बैठे हैं तो हम चौकीदारी कर रहे हैं। चौकीदार से सीधा सा तात्पर्य मोदी जी का ये है कि जो भी इस राष्ट्र के प्रति अंदर से अपने दिल से जो भी अपने राष्ट्र के प्रति चिंतित है, जो भी व्यक्ति अपने राष्ट्र के विषय में सोचता है, जैसे कि इधर उधर कूड़ा करकट न फैलाएं या फिर सफाई रखें, अपनी अगल बगल की चीज़ों पे हम केंद्रित रखें ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा देश साफ सुथरा रहे, तो ये एक प्रकार की चौकीदारी ही है। और ये मोदी जी के आने के पहले कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भावना नहीं थी कि हमारा देश स्वच्छ होना चाहिए। हम कुछ भी उठते थे फेंक देते थे कूड़ा करकट कहीं भी, आप कहीं किसी ऑफिस में जाइए हर कोने में थूका हुआ मिलता था। तो आज बहुत सारे बदलाव हुए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और उसका सीधा सा श्रेय मोदी जी को जाता है। मोदी जी ने आज ये जो अभियान चलाया है कि मैं चौकीदार हूँ, निश्चित रूप से आज हर युवा और हर एक वर्ग इसके पीछे जा रहा है कि मैं भी चौकीदार हूँ। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि मैं अपने देश के विषय में सोचता हूँ और मुझे अपने देश की चौकीदारी करने में गर्व हो रहा है कि हम अपने देश के चौकीदार हैं, ना कि किसी व्यक्ति के चौकीदार हैं, ना तो किसी पार्टी के चौकीदार हैं, हम अपने देश के चौकीदार हैं। मोदी जी के कहने का तात्पर्य ये है। धन्यवाद। पीएम मोदी की एक अपील पर देश भर के लोग खुद को चौकीदार मान रहे हैं, क्या आप भी उनमें से हैं जो खुद को चौकीदार मानते हैं? निसंदेह मैं भी देश का एक चौकीदार हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने सभी क्षेत्रों में, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नागरिकता के क्षेत्र में हो, देश के एक आम आदमी से लेकर देश के बड़े व्यक्ति तक सबके लिए कार्य किया है। ऐसा प्रधानमंत्री देश को दोबारा कभी नहीं मिल सकता है। ये भारत की अमूल धरोहर है, इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि मैं चौकीदार हूँ।